कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच भारत में महामारी संकट एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। बुधवार से 12% ज्यादा कोरोना केस आए हैं। गुरुवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़े जारी किए गए। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 47,092 नए कोरोना केस आए हैं। इससे एक दिन पहले 41,965 मामले आए थे। वहीं पिछले 24 घंटों में 509 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। 35,181 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 11,402 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। भारत में सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना मामले केरल में बढ़ रहे हैं। केरल में कोविड संक्रमण के बुधवार को 32,803 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण से 173 और लोगों की मौत हो गई। नए मामलों के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 40,90,036 हो गई, जबकि मृतकों की संख्या 20,961 पर पहुंच गई। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,28,57,000 लोग संक्रमित हुए। इनमें से 4,39,529 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,20,28,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 3,00,000 से ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 1 सितंबर तक देश भर में 66,30,37,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 81,00,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 52,50,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 20,00,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 4% से कम है।